रोड के बीचों बीच है, रात में अगर कोई गाड़ी गाड़ी वाले आएंगे तो एक्सीडेंट होना तय है और एक्सीडेंट होता भी होगा। जितने भी गाड़ी आए हैं अचानक से ब्रेक लिए हैं, जिसके कारण यहाँ का रोड देख लीजिए, यहाँ पर हर गाड़ी अधिकतर गाड़ी का जो है ये टायर घिसा हुआ दिखे पीछे जो है बीचों बीच इस सड़क के जो पेड़ है, इससे नुकसान है कि नहीं? बहुत नुकसान है सर। हाँ। बहुत नुकसान है, गाड़ी चल जाए नहर में, इधर चाट में चल जाएगा, एक्सीडेंट तो होता ही होगा, एकदम होता है। अभी हम बिहार के अरवल जिला में हैं और पटना से पटना एम्स के पास से जैसे ही नहर वाला रास्ता पकड़ेंगे, वो पकड़े पकड़े आप जैसे ही अरवल आएंगे, तो अरवल में पहुंचने से पहले आपको इस रास्ते में आपको एक बीच रोड पर ये पेड़ दिख जाएगा। आप देखिए कि बिहार सरकार के जो काबिल अफसर है, काबिल इंजीनियर है और जो ठेकेदार हैं, जो ठेका लेकर के इस रोड को बनाए हैं, उनकरा जो है काम के लिए सराहनीय है, उनको अवार्ड मिलना चाहिए बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से। देखिए किस तरीके से रोड बनाया है, जरा सोचिए कि रोड के बीचों बीच है, रात में अगर कोई गाड़ी गाड़ी वाले आएंगे तो एक्सीडेंट होना तय है और एक्सीडेंट होता भी होगा। जरा सोचिए कितने काबिल लोग हैं और कितने काबिल इंजीनियर के द्वारा ये जो है पास कर दिया गया। हालांकि जो पर्यावरण के लिए लोग तो काम किए कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन जरा सोचिए कि पर्यावरण को बचाने के चक्कर में ये जो है पूरे बीच रोड पर एक पेड़ उगा दिए हैं। हालांकि ये पेड़ छोड़ देते तो आगे से रास्ता और बनाते, इधर से नहीं होता, या तो इधर से ही और बढ़ा दिया जाता या तो उस साइड से बढ़ा दिया जाता, तो ये पेड़ साइड में हो जाता है। लेकिन पेड़ के बीचों बीच छोड़ने का क्या मतलब है, बीचों बीच छोड़ देने से आप देखिए कि क्या स्थिति है। अब सड़क पर लोग आते हैं और यहाँ हमेशा जो है उन लोगों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर देखिए अक्सर आप देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी गाड़ी आए हैं अचानक से ब्रेक लिए हैं, जिसके कारण यहाँ का रोड देख लीजिए, यहाँ पर हर गाड़ी अधिकतर गाड़ी का जो है ये टायर घिसा हुआ दिख रहा है आपको। देखिए एक गाड़ी ये भी लेकर के आए, अब बीच रोड में पेड़ है जिसके वजह से दिक्कत इनको भी हो रहा है और भी लोगों को हो रहा है। जितने भी लोग इधर से गुजरेंगे, फोर व्हीलर से गुजरेंगे या बाइक से गुजरेंगे या ट्रक से गुजरेंगे, जो भी जैसे भी गुजरेंगे, हालांकि ट्रक तो अलाउ नहीं है, बाइक से या फोर व्हीलर से गुजरेंगे तो उनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये फोर व्हीलर आ रही है, अब आ रही है तो इस गाड़ी को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, धीरे करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है गाड़ी गुजरेगी। हालांकि ये बिहार सरकार में है, ये तो खुद ही प्रशासनिक में है और इनकी गाड़ी जा रही है। देखिए किस तरीके से क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ ये भैया हैं, ये क्या मिट्टी लेने आए हैं? हाँ, मिट्टी लेने। कहाँ घर है आपका? अरवल है। अरवल में ही घर है। अच्छा ये बताइए कि आप ये देख रहे हैं ये बीचों बीच पेड़ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार का बनाया हुआ, ठेकेदार जो बनाता है तो गलत बनाता है, तो क्या कहीं ना कहीं ये ठेकेदार का बहुत बड़ा गलती है, एक्सीडेंट होने का तो खतरा रहेगा, एक्सीडेंट होता ही होगा। देखिए कितना रोड खराब है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बिहार के जो काबिल इंजीनियर है उनका भी गलती है। इंजीनियर वैसा ही होता ही है, इंजीनियर वैसा ही होता ही है, हर जगह पर कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है, कर ही देता है। और भी आगे जब अगर बैदराबाद निकलेंगे उधर जाएंगे तो उधर भी और देखने को मिलेगा, बीचों बीच सड़क पर इस तरीके से पेड़, मोटे मोटे पेड़ देखने को मिलेगा। जरा सोचिए कि इतना भी उन लोगों को समझ में नहीं है कि बीचों बीच अगर पेड़ को छोड़ देते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है, लोगों की घटना ज्यादा घट सकता है, लोग की जान ज्यादा जा सकती है। अगर यही चीजें जो है और आगे बढ़ा दिया जाता सड़क को, इतना ही आगे जगह भी है, दिखाइए जगह भी है कि नहीं, जगह भी है तो आगे बढ़ा दिया जाता तो पेड़ साइड में हो जाता सड़क किनारे में, सड़क के किनारे किनारे, और लोग जो है आसानी से गुजरते, हालांकि टर्निंग हो जाता, लेकिन पेड़ अगर बचा रहे हैं तब, लेकिन पेड़ अगर काटते तो ठीक है। हालांकि ये जवान पेड़ है, जवान पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए क्योंकि पर्यावरण का नुकसान होगा, लेकिन पर्यावरण के बचाने के चक्कर में जरा सोचिए कि कितने लोगों की जिंदगी जो है कुर्बान करवा दे रहे हैं। ये बिहार के काबिल इंजीनियर लोग हैं, बिहार के काबिल इंजीनियर लोग हैं और जो बिहार के ठेकेदार लोग हैं वो लोग है कि नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे कि नहीं? सही है। अच्छा, सही आप है। आप आपका भी घर यहीं पर है? जी सर। अच्छा क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा बीचों बीचे जो है बीचों बीच इस सड़क के जो पेड़ है इससे नुकसान है कि नहीं? बहुत नुकसान है सर। बहुत नुकसान है, गाड़ी चल जाए नहर में, इधर चाट में चल जाएगा, एक्सीडेंट तो होता ही होगा, एकदम होता है, क्योंकि सड़क देख करके लग रहा है कि यहाँ पर लोग अचानक से आते होंगे, ब्रेक मारते होंगे, टायर घिस जाता होगा उनका, टायर के घिसने के कारण सड़क भी यहाँ पर काफी घिस चुका है, जिसके कारण है। देखिए तो यही स्थिति है, यहाँ कितना बुराई किया जाए, यहाँ के जो काबिल इंजीनियर हैं, काबिल जो सरकारी अफसर हैं, काबिल जो ठेकेदार हैं, जो ठेका लेकर के इस तरीके से रोड बनाते हैं, सड़क पास कर देते हैं, और अफसर लोग जो इसको सड़क को पास कर देते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। वो लोग तो जो है अवार्ड के भागीदारी है भाई, उन लोग को इनाम मिलना चाहिए,
सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए और केंद्र सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। भारत रत्न के टुकड़ा ला करके उन लोगों को दे दीजिए कि ऐसा रोड बना है, सड़क के बीचों बीच जो है पेड़ लगा दिए हैं, पेड़ को छोड़ दिए हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।